Hello, this is the lecture number 5 for the chapter Statistics for the class 9th. In this lecture, we will discuss how to draw the frequency polygon. Frequency polygon without using histogram. बिना histogram use करे हम कैसे frequency polygon बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास ये क्लास इंटरवल है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है. तो 0 से लेकर 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50 स्टूडेंट कितने बच्चों के आपके मार्क्स आए. 0 से 10 सपोज 2 स्टूडेंट्स के आए, ये सपोज 5 स्टूडेंट के आए हैं, ये सपोज 7 स्टूडेंट के आए हैं, ये सपोज आपके आए हैं 6 स्टूडेंट्स के और ये सपोज 2 स्टूडेंट्स के आए हैं. सो इट इज सपोज ये आपके आए हैं ये. सो इसको हम कैसे बनाते हैं विदाउट यूजिंग द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट यूजिंग द हिस्टोग्राम. इसको हम क्लास मार्क्स निकालते हैं. क्या निकालते हैं, क्लास मार्क. क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क्स होता है मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल. मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल और क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करा 5 आ गया, इन दोनों को 2 से ऐड करके डिवाइड करा 15 आ जाएगा. मिड वैल्यूज होता है 20 30 को ऐड करके 2 से डिवाइड करा 25, 25 इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करा 35 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करा 45 आ जाएगा. दिस इज नोन एज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल. और ये क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास मार्क. अब हमें इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए विदाउट यूजिंग द हिस्टोग्राम, एक्स एक्सिस पर आप क्लास मार्क्स लेंगे, y एक्सिस पर आप फ्रीक्वेंसी लेंगे. तो क्लास मार्क कितना, 5, 15, तो 5, 15, 25, 35, 45. तो ये हो गया आपका 5, 15, 25, 35 एंड 45. और यहाँ पर आपका ये है 7 तक. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं. मार्क करिए 2 का कितना है, 5 का 2 है, तो 5 का हमारा 2 है ये. 15 का कितना है, 5, तो 15 का 5 है हमारे पास ये. 25 का कितना है, 7 है, 25 का 7 है ये. 35 का आपका 4 है एंड 45 का आपका 2 है. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास मार्क विद द नंबर. अब आप इसको स्केल से ज्वाइन करेंगे, विद द स्केल यू हैव टू ज्वाइन. ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया. इसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने हिस्टोग्राम बनवाया था, इसके नेक्स्ट के जो मिड पॉइंट्स है, ये है इसका नेक्स्ट का मिड पॉइंट, इस क्लास इंटरवल का ये है, तो आप इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे. तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम, क्लास मार्क निकाल करके बनता है. क्लास मार्क निकाल करके ये बनता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6. इसमें आपको दो सेक्शंस के मार्क्स दे रखे हैं और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं. इनका दोनों का सेम ग्राफ पेपर पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है. सेम ग्राफ पेपर पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो सेक्शन ए के आपके 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50 मार्क्स कितने कितने बच्चों के आए हैं, ये हमें गिवन है. कितना है, ये आपका 3, ये है आपका 9, ये है 17, इसमें आए 12 और इसमें आए 9. सेक्शन ए के ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं. सेक्शन बी का भी क्लास इंटरवल सेम है, मैं केवल सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ. इट इज 5, 19, 15 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट. ये आपका डाटा दे रखा है, इतने मार्क्स इतने एक सेक्शन में इतने कितने बच्चों के आए और बी सेक्शन में इतने इतने बच्चों के आए. आपको
इस डाटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है सेम ग्राफ पेपर पर. यू हैव टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन द सेम ग्राफ पेपर. तो अब जब आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो आप पहले इसका क्लास मार्क निकालेंगे. ओके, अब क्लास इंटरवल दोनों का सेम है तो मैं एक ही दोनों का क्लास इंटरवल बना लेता हूं. अगर डिफरेंट होता क्लास इंटरवल तो आई विल मेक इट डिफरेंटली. सो इसका क्या आएगा, 0 + 10 मिड वैल्यूज, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों से ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दैट इज 35, ऐड करके दोनों को डिवाइड 45. तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है हमको सेम ग्राफ पेपर पर, और दो क्लासेस का मार्क्स का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है सेम ग्राफ पेपर पर, सेम ग्राफ पेपर पर. ओके, सो आई मेक इट ऑन द सेम ग्राफ पेपर. सेम ग्राफ पेपर बनाने की कोशिश करते हैं हम. ओके, सो आई एम मेकिंग इट ऑन द वाई एक्सिस, तो वही ग्राफ बनता है हमारा ये. आई एम टेकिंग इट एज ऑन द वाई एक्सिस. मैक्सिमम वैल्यू इस कितना है ग्राफ पर आपका, अगर आप ध्यान से देखें मैक्सिमम वैल्यू है दोनों में, इसमें 19 है इसमें 17 है. तो ऑन द वाई एक्सिस आई विल टेक 1 centimeter एज 2 units, एंड ऑन एक्स एक्सिस आई विल टेक द क्लास मार्क्स. मैं इसमें क्लास मार्क्स लूंगा लाइक दिस, आई विल टेक द क्लास मार्क्स. सो ये मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और यहाँ पर मैंने लिया है ये क्लास, ये लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं. और एक्स एक्सिस पर आई विल टेक द एक्स एक्सिस पर मैं लूँगा क्लास मार्क्स. ठीक है, क्लास मार्क्स दोनों का सेम है, 5, 15, 25, 35, 45. तो आई विल टेक 5, 15, 25, 35, 45. ये मेरा क्लास मार्क्स हो गए. अब क्योंकि ये वाला क्लास इंटरवल और ये वाला क्लास इंटरवल ये 5 का है 10 का है, तो इक्वल नहीं है, तो मैंने ये मार्क कर दिया क्लिंग. नाउ मार्क इट, पहले उसका मार्क करेंगे. 5 का 3 है, 5 का 3 बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है यहाँ पर, ये 5 का 3. 15 का 9 है, 15 का आपका 9 है ये. तो मैं एज आई एम सेइंग दैट ऑन द ग्राफ पेपर इट विल बी वेरी नीट एंड क्लीन. 25 का आपका 17 है, सेक्शन ए का, सेक्शन ए का 17 है 25 का. देन 35 का आपका 12 है, 35 का आपका 12 है, एंड 45 का 9 है, 45 का 9. सो दिस, नाउ यू हैव टू जॉइन इट विद द स्केल. मैंने बोला था स्केल से मार्क करना है आपको. दिस इज दी मार्क्ड विद ए स्केल, स्केल से मैंने मार्क कर दिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द सेट है. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो मैंने ब्लू पेन से लिया है वो सेक्शन ए का है, मैं रेड पेन से सेक्शन बी का मार्क करूंगा. मैंने बोला था लास्ट वाला आप इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, इसके मिड पॉइंट से लास्ट वाला आपको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है. ओके, सो दिस इज बाय ब्लू पेन आई ड्रॉन फॉर द सेक्शन ए. फॉर द सेक्शन बी आई विल मार्क फॉर द सेक्शन बी. सेक्शन बी का मार्क करूंगा, कितना है पहला, 5 है, पहले वाले का 5, तो 5 का आपका 5 है. दिस इज 5, 5 मार्क कर दिया. नेक्स्ट का है आपका 15 का 9, तो 15 का मैंने 9 मार्क कर दिया. 15 का दोनों का 9 ही है, दोनों का 9, आई विल चेक इट, 19 है, इट इज 19, इट इज 19, 15 एंड इट इज 10 एंड 4, इट इज 19, 15 का आपका 19 है, 15 का इट इज 19. देन आपका है 15 है, 25 का इट इज 15. देन 35 का है आपका 10, 35 का इट इज 10, एंड फॉर
45 इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1, 45 का आपका 1 है यहाँ पर. सो आई हैव मार्क द पॉइंट्स एंड आई विल जॉइन विद द स्केल विद द राइट पेन सो दैट सेक्शन ए और इसका पता चल जाए. ये हो गया, दिस इज विद द रेड पेन और लास्ट वाले से डॉटेड लाइन से मिड पॉइंट से जोड़ दीजिए आप इसको. सो दिस इज द रेड पेन से हमने सेक्शन ए लिया है. ऑन वाई एक्सिस हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, वी हैव टेकन 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स लिया है. ऑन एक्स एक्सिस हमने 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट्स लिया है, हमने 10 यूनिट्स लिया, 5, 15, 10 यूनिट्स लिया. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द टू डाटा ऑन द सेम ग्राफ पेपर लाइक दिस. व्हेन यू ड्रॉ ऑन अ ग्राफ पेपर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट विल बी वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी नीट और क्लीन इट विल बी. ओके, सो लाइक दिस. नाउ सिमिलरली इज द क्वेश्चन नंबर सेवन in which the number of balls run scored by the two teams A and B on the number of balls. Number of balls पर हमें ये दे रखा है. Okay, and if you see it very carefully, the upper limit and the lower limit of the both the class interval is not same. That is, it is an inclusive data. तो first of all, you make it a exclusive data. आप उसका exclusive data बनाइए. मैं directly कर रहा हूँ 0.5 lower limit में आप नंबर ऑफ बॉल्स एंड द टीम ए हाउ मेनी रन्स डन एंड दिस. तो आई एम मेकिंग इट 0.5 लोअर लिमिट में माइनस कर दे रहा हूँ और अपर लिमिट में 0.5 आई एम मेकिंग इट एडिंग. तो 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5, 18.5 से आपका है 24.5, 24.5 से है आपका 30.5, 30.5 से है आपका 36.5 एंड 36.5 से देन अप टू 42.5, 42.5 से है 48.5, 48.5 से आपका है 54.5 एंड 54.5 से 60.5. So I am making a made it exclusive class interval. The runs made by the team is 2, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 6, 10, and 6, 2. B that is 5, 6, 2, 10, 5, 6, and 3, 4, 8, 3, 4, 8, 10, 3, 4, 8, and 10. These are the runs made by the team A and team B on the number of balls. So you have to make the frequency polygon on the same graph paper. So jab frequency polygon banana same graph paper par, it means you have to make the class marks. So class mark pata lagane ke liye upper limit lower limit ko add karke 2 se divide kariye, 7 divide 3.5 aa jayega, it is 9.5. next aa jayega 15.5, नेक्स्ट आ जाएगा 21.5. इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, यू कैन टेक योर ओन टाइम. 27.5, 33.5 एंड 39.5 एंड इट इज 45.5 एंड इट इज 51.5 एंड नेक्स्ट इज 57.5. अब इसका आपको सेम ग्राफ पेपर पर यू हैव टू मेक द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 6. तो पहले हमने इसके क्लास मार्क्स पता लगा लिए, देन हमने इसका क्लास मार्क पता लगाने के बाद वी हैव मार्क दी इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाया है और उसके बाद हमने क्लास इंटरवल, अब उसका हम विल मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ बोथ ऑन द सेम ग्राफ पेपर. तो अगेन यू मेक अ टेक अ ग्राफ पेपर, मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अगेन आई एम टेकिंग द वाई एक्सिस
एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग इट. इफ यू सी द मैक्सिमम वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस वी टेक द क्लास मार्क्स. हम एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, क्लास मार्क्स लेते हैं और यहाँ पर लेंगे नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ रन्स मेड बाय द बोथ द टीम्स. ओके, नाउ इफ यू सी द क्लास मार्क्स इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3.5, अभी हमने बनाया था क्लास मार्क्स जो लिया 3.5, 9.5, इट इज 15.5, देन वी हैव 21.5, then we have 27.5, then we have 33.5, then 39.5, then we have 44.5, then we have 51.5, then 57.5. now if you see the values runs made by both the teams in your book, the maximum runs they've scored it 10. तो आप 1-1 का ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नाउ अब हम 1 by 1 मार्क करते हैं. पहले आप सेक्शन ए का मार्क करेंगे, 3.5 का 2 दे रखा है, यू सी ऑन योर इन योर बुक. देन 1, 9.5 का आपका 1 गिवन है, ग्राफ पेपर पर आप चेक, आप अपना मार्क बुक में चेक कर लीजिए. 15.5 का 8 है, 15.5 का इट इज 8, इट इज 8. 21.5 का 9 है, 27.5 का 4 है, इट इज 4. देन इट इज 5, 33.5 का. देन इट इज 6, 39.5 का. 45 का 10 है, इट इज 10. देन इट इज 6, 51.5 का इट इज 6, एंड देन इट इज 2. तो ये आपका टीम ए का हो गया. तो आपको स्केल से ज्वाइन करना है विद द ब्लू पेन, ब्लू कलर से आप ज्वाइन कर दीजिए स्केल को. तो आप इसका हम वी आर ज्वाइनिंग इट विद द स्केल, स्केल से ज्वाइन करना है आपको. You join it with a scale like this. So this is the, for the A we have used the blue pen like this. जैसे बताया था आपको, next को आप scale से point से join कर देंगे और ये भी आप क्लिंक है, क्योंकि ये distance बराबर नहीं है, तो यहाँ क्लिंक आएगा और next के mid point से आपको dotted करना है. तो this is for the सेक्शन या टीम ए. अब टीम बी के लिए आप रेड पेन आई एम यूजिंग फॉर 3.5, इट इज 5. आप ध्यान से देखिए ग्राफ पेपर, उसमें अब स्केल में अपने बुक में. देन इट इज 6, 9.5 का 6 है, 15.5 का 2 है, 21.5 का आपका 10 है. देन इट इज 5, उसके बाद आपका ये 5 है. देन इट इज 6, देन इट इज 3, उसके बाद आपका 3 है. देन इट इज 4, देन इट इज 8, उसके बाद आपका 8 है. देन इट इज 10, उसके बाद आपका 10 है. आप इसको रेड लाइन से ज्वाइन कर लीजिए. तो ये आपका पहले ये है, then we have this, then this. आप इसको using the scale आप इसको join करिए. this is the frequency polygon of the run made by the second team, and next से आपको dotted line से join करना है. dotted line से आप join कर लीजिए. And this is next, ये आपको join करना है. So this is the frequency polygon of both the teams, run made by both the teams. Blue pen से मैंने team A को, blue pen, इसको हमने right pen से लिया है on
वाई एक्सिस मैंने जो स्केल लिया है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रन, एंड ऑन एक्स एक्सिस मैंने लिया है स्केल, आपको मार्क करना है 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 यूनिट्स के बराबर लिया है, 10 यूनिट्स नहीं 6 यूनिट्स के बराबर लिया है, 6 यूनिट्स हैं 3.5 से 9.5, 9.5 से 5.5. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ बोथ रन मेड बाय बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर. ओके, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.